सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। आज से पहले ये घर कभी इतना पुरसुकून महसूस नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। ओफ आपी, कोई नहीं सुनता। सब वहाँ मामू के पास बैठे हैं, रूमी की याद में उदास शक्लें लिए। अभी तो चाय देकर आई हूँ। कुछ ही दिन की बात है, ये अफसरदगी भी खत्म हो जाएगी। मुझे तो खुद ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख्वाब जैसा है, जैसे कोई सर से बोझ उतर गया हो। हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। वैसे आप शुक्र करें कि आपकी जल्दी जान छूट गई इस रूमी से। तुम इसे जल्दी कहती हो? सालों भुगता है मैंने उसे, एक साल सदियों के बराबर लगता था, पर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो गया। तुम्हें इसे ज्यादा दिन झेलना नहीं पड़ेगा। पता नहीं आप ही, कोई मुझे भी झेलेगा या नहीं। क्या मतलब है इस बात का? पता नहीं आप ही, मुझे हारिस की बातें कुछ ठीक नहीं लगती हैं। उसका जरा भी ध्यान नहीं है मुझमें, उल्टा हर वक्त मुझे इग्नोर करता रहता है। इसको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता मेरे यहाँ रहने या ना रहने से। रमशा, फर्क पड़ने, ध्यान देने के लिए साथ रहना लाजिम होता है। तुम एक काम करो, थोड़े दिन के लिए यहाँ रहने आ जाओ। तुम यहाँ रहोगी तो शायद उसका ध्यान तुम पे पड़ने लग जाए। और मर्द का दिल बदलने में कितनी देर लगती है? किसका दिल बदलने की बातें हो रही है मेरी? वो मैं रमशा से कह रही थी कि रोमी के जाते ही घर में कितना सन्नाटा हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो बस रमशा से कह रही थी कि तुम कुछ दिन यहाँ रहने आ जाओ, हम सबका दिल भी लग जाएगा और अहमद को बहुत खुशी होगी। रमशा, हम ना ठीक कह रही है, कुछ दिन रुक जाओ यहाँ पर। ऐसे भी ऐसा लगता है कि रूमी जाते जाते अपने साथ इस घर की रौनक भी ले गई। ये तो है,